हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये ब्रैकेट और पैर गज की सेटिंग बताता हूँ छोटी मशीन में हम करते कैसे हैं। और आप वीडियो को आखिर तक देखना जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ कि हमें काम करना कैसे है वीडियो से। तो ये क्या है कि हमारा ब्रैकेट यहाँ ढीला होता है, तो यहाँ पे ढीला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ढीला रहेगा तो हमारा गज हिलाएंगे तो मतलब हलता है, ढीला मिला तो वो हिलना बंद हो जाएगा। अगर ब्रैकेट हमारा ख़राब है तो गज हिलेगा, अगर ब्रैकेट सही है तो नहीं हिलेगा। तो मैं आपको नया ब्रैकेट डालना बताता हूँ। पहले नया ब्रैकेट डालते कैसे, अब ये नया ब्रैकेट है, अब गज इसमें आ गया, ठीक है। इसका ये पेच लगाते हैं हम नया, ये ब्रैकेट का पैर पेच है। आज मैं आपको छोटी मशीन के पैर गज और ब्रैकेट की सेटिंग समझा रहा हूँ, अच्छी समझ में आएगी आपके। ये मैंने इसमें लगाया है यहाँ से, अब क्या कि ये आ गया इसमें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना कि हमें करना कैसे होता है, मैं अच्छे से समझाता हूँ आज आपको। इसको टाइट करते हैं पेज को, अब ये अच्छे से टाइट हो गया। अब आप देख सकते हो, अब मैं इसको अगर इसको हिला भी रहा हूँ तो हिल नहीं रहा। अगर ये हिलेगा नहीं तो इसका जो बूट है वो नहीं, उसमें प्ले नहीं आएगी। ऐसे करके जब प्ले नहीं आएगी तो सुई भी नहीं तोड़ेगा वो। अब इसकी स्प्रिंग लगाते हैं, फिर इसमें देखते हैं इसका हमें बल कितना रखना है। स्प्रिंग को डालते हैं पहले, थोड़ा अब इसको कसते हैं थोड़ा। तो क्या हमें इतना टाइट रखना चाहिए इसका वो प्रेशर, अगर इतना रखेंगे तो उससे क्या हमारा कपड़े पे दाब अच्छी से आएगी। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर ज़्यादा दाब आएगी तो पतले कपड़े को सुखड़ेगा ये। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका ब्रैकेट और पैर गज की सेटिंग अच्छे से, इसमें जरा सी भी प्ले नहीं है। और आपको वीडियो अच्छे से पसंद आएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जरूर।